गाइस, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर से होंगे और आप अपने बर्थडे अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। अच्छा जी, आज जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत से लोग कहते हैं कि यार हमें फिंचेस की ब्रीड नहीं लेनी चाहिए। यार क्यों नहीं लेनी चाहिए? वो कहते हैं जी कि कंगनी का रेट बहुत ज़्यादा हो गया, हमें ब्रीड नहीं लेनी चाहिए यार, इससे हमारी कंगनी का खर्चा ज़्यादा होता है, इससे बेहतर है कि यार हम अपनी जो फिंचेस हैं वो सेल कर दें या इनको अपने पास रखें ही ना, या इनकी ब्रीड हम ना लें। जब दाना सस्ता हो जाएगा, फिंच का रेट ज़्यादा हो जाएगा, तब हम इनसे ब्रीड लेंगे। तो यार ऐसा नहीं है। मैं आज आपको बताऊंगा कि यार कुछ चीज़ें भी ऐसी बताऊंगा कि यार मैं कौन कौन सी चीज़ें इन्हें डाल रहा हूँ। मेरे पास माशाल्लाह से 18 से 20 जोड़े हैं, पेड़ हैं जो बिल्कुल ब्रीड कर रहे हैं, उनके बच्चे आ रहे हैं। कुछ बच्चे निकले थे वो सेल आउट हो गए, लेकिन कुछ अभी एक आध मटके में अभी जो है वो बच्चे छोटे हैं और बाकियों में एग आए हुए हैं। ठीक है, तो यार अगर मैं जो है मैं छोटे सेटअप पे जो मेरा मिनी सेटअप है वहाँ पे अगर मैं इनकी जो है ब्रीड करवा सकता हूँ तो यार आप क्यों नहीं करवा सकते? ठीक है, कंगनी का रेट ज़्यादा, आप कंगनी ना डालें। वो आप कहेंगे भाई यार अगर कंगनी ना डालें डालें, वरना इसके अलावा ये कुछ भी नहीं खाते। यार कौन कहता है ये कुछ नहीं खाते? मैं कह रहा हूँ कि ये यार सब कुछ खाते हैं। इनकी जो चूँच है वो बहुत तेज़ होती है, ये इतना भी नाजुक परिंदा नहीं है जितना। हाँ ये वैसे छोटा है, मतलब छोटा सा लगता है, लेकिन ये जो है ना बहुत तेज़ तरीन परिंदा है। मैं इसे एक महीना हो गया मुझे, मैं इनको जो चीज़ डाल रहा हूँ वो आपको लाइव दिखाता भी हूँ। और ये जो मेरी फिंचेस है, ये आप पीछे कलोनी देख रहे हैं, ये इनमें तकरीबन अंडे आए हुए हैं और इनमें से बच्चे भी हैच होने वाले हैं। ठीक है, ये 18 पेयर का मैं खर्चा कैसे अफोर्ड कर रहा हूँ? आप कह रहे हैं यार कि इनका तो खर्चा ही बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, जो फिंचेस का रेट है पहले से बेहतर हो गया है, अब 800-900 तक ये जो है ये आम तौर पर सेल किया जा रहा है। ठीक है, तो यार आज की जो वीडियो है आपके लिए उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि यार हमें फिंचेस की ब्रीड को रोक देना चाहिए। ऐसा ना करें, फिंचेस की ब्रीड को रोकें ना, इस तरह से आपका जो जानवर है ठीक है वो रेस्ट पे आ जाता है, लेकिन कभी भी ब्रीड के जो ब्रीड करते जानवर को नहीं रोकना चाहिए। मेरे साइड पे जितने भी जानवर हैं मैं उनकी कभी ब्रीड नहीं रोकता, सर्दी हो या गर्मी हो बॉक्स लगे रहने देता हूँ। अगर किसी का दिल करे ब्रीड करे, अगर ना करे तो ना करे। तो चलते हैं यार हम वीडियो की तरफ। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि यार वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ बड़े बैल आइकन को ऑन कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच रहे सबसे पहले। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने क्या चीज़ डाल रहा हूँ और मटकी और बॉक्सेस में दिखाता हूँ कि कितने अंडे आ चुके हैं और एक दो में शायद बच्चे भी हूँ, आपको वो भी दिखाता हूँ। चलते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं। इधर से जी ये देखिए जी माशाल्लाह से, ये देखिए माशाल्लाह से चार आ गए, चार के चार फर्टाइल हैं। पहले भी फर्टाइल दिए थे और अभी भी फर्टाइल हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने बॉक्सेस की तरफ। ये देखें जी बॉक्सेस में इतने पेड़ हैं, इन्होंने बॉक्स किसी ने भी सिलेक्ट नहीं किया। तो ये हमारी दूसरी मटकी, माशाल्लाह से तीन अंडे हैं जी। ये देखेंगे माशाल्लाह से एक अंडा है। अब इसके बाद इसमें जी ये खाली है जी, इसमें ये भी खाली है। अच्छा यार ये खाली इस वजह से, ये देखिए एक भी अंडा है, ये देखिए इसमें भी नर्सिंग तैयार है। इस वजह से है कि मेरे पास पेयर तो है 18 या 19 पेयर हैं, लेकिन जो मैंने मटकियाँ रखी थी वो मैंने बहुत ज़्यादा रखी थी। ये देखेंगे, ये देखेंगे माशाल्लाह से तीन अंडे इधर भी हैं, इधर से नर्सिंग निकाल ली है जी माशाल्लाह से। ये आप देख सकते हैं जी, ये देखें जी चिक्स निकले हुए हैं माशाल्लाह से, दो या तीन चिक्स हैं जी, ये आप देख लें जी। अच्छा जी ज़्यादा हम तंग नहीं करते, वरना ये बाहर निकल जाएंगे। अच्छा जी इनके बाद ये नस्टिंग किस तरीके से की उन्होंने समझ नहीं कुछ लग रही, चले। अच्छा जी ये आपने इस तरफ का व्यू देख लिया, अब हम चलते हैं माशाल्लाह से देखें जी। ये देखें जी अब हम इस तरफ जाते हैं, तो हम शुरू करते हैं इस तरफ से। सबसे पहले ये देखें जी माशाल्लाह से एक अंडा इधर भी आया हुआ है, माशाल्लाह से तीन अंडे, और इधर चलते हैं जी माशाल्लाह से ये देखें जी चार अंडे। यार लाइट जब अंडों पे चलती है ना तभी पता चल जाता है कि अंडे फटाए हैं या नहीं फटाए, माशाल्लाह से फटाए अंडे। और उसके बाद जी देखें जी माशाल्लाह से तीन अंडे इधर ही आए। उसके बाद हम इधर चलते हैं जी, आई थिंक खाली है, देखें जी मेरे हिसाब से इधर बच्चे निकले हुए हैं। एक बच्चा है ठीक है जी, और उसके बाद भी चलते हैं जी एक अंडा इधर भी आया हुआ है जी, तो माशाल्लाह से इधर भी एक अंडा जो कि जो बच्चा है वो निकला हुआ है। अच्छा जी ये थी मेरी छोटी सी कलोनी, छोटा तो मैंने इन्हें ओपन ही हुआ है, लेकिन ये देखें जी ये व्यू है इनका, ये सिर्फ इस साइड पे ही आती हैं। आपको मैं इधर से दिखाता हूँ जी, ये देखें माशाल्लाह से, ये देखें ये अंडे बच्चे सिर्फ इधर ही निकालती हैं,
वैसे ये जो पूरा केज है ये इनके लिए ही है, ये देखें जी, वो देखें जी, कोई काम पे बैठी हुई है जी, कोई काम बैठी हुई है। तो अच्छा यार, अब बात करते हैं कि यार मैं इन्हें खिला कर रहा हूँ, ठीक है, ये इनके यार वीडियो बनाने के लिए मैं सिर्फ ये दिखाता हूँ, लेकिन नहीं, जो मेरी फिंचिंग है वो 1 महीने से वो सिर्फ और सिर्फ, ये देखें जी, ये देखें जी, ये मिक्स दाना मैं कर लेता हूँ आते ही अपने कॉकटेल और लॉबर्ड्स के लिए। ये देखें जी, अगर आपको इसमें से एक दाना भी कंगनी का नज़र आए तो बताना। ये देखें जी, ये आपको नज़दीक से दिखाता हूँ, टोटली यार ये बाजरा है, एक भी दाना इसके अंदर कंगनी का नहीं है 1 महीने के। तो जी हाँ दोस्तों, आपने देखा जैसे कि मेरी हर मटकी में तकरीबन अंडे आए हुए हैं और बच्चे भी निकले हुए हैं, कुछ दोबारा अंडे ले करने वाली हैं। तो ये सारी ऐसे की ऐसे लगी रहती हैं, सर्दी हो या गर्मी हो मैं इनको अलग नहीं करता, ठीक है। इनके बच्चे जो निकलते हैं या तो मैं साइड पर कर लेता हूँ या मैं सेल आउट कर देता हूँ, ठीक है। माना कि यार फिंच सस्ती है, लेकिन हम इनकी ब्रीड को नहीं रोक सकते। अगर हम इनकी ब्रीड को रोकेंगे यार, ये तो फिर ये हो गया कि लालच है, ठीक है, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास कंगनी नहीं है तो आपने बाजरा एक बार डाल के तो देखे। कुछ लोग कहते हैं कि यार बाजरे से बीमार हो जाते हैं, अगर बीमार हो जाते हैं फिर मेरी क्यों नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सारी फिंचेस ठीक है, 40 पीस है, 40 पीस में से एक पीस भी एक्सपायर नहीं हुआ है 1 महीने के अंदर। आपको मैंने लाइव दिखाया कि मैं दाना नहीं क्या डाल रहा हूँ, दाना क्या डाल रहा हूँ, आपने दाना भी देख लिया, बाजरा डाल रहा हूँ, बाजरा जो सबके लिए लेके आता हूँ पूरे सेटअप में, मिनी सेटअप में, वैसा ही बाजरा हर जानवर को मैं डाल रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ यार आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और एक कमेंट भी करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं उसे गुजारिश है कि यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो सबसे पहले मिलते हैं। अगली वीडियो पर।